दिल्ली में अगले महीने होने जा रही G20 की बैठक को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसी के साथ राजघाट के पास की सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त करने के साथ साथ कैमरों की भी नजर रखी जा रही है। जानकारी दे रही है ज्यादा हमारी संवाददाता रिया राय। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर लगातार देश भर में तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं राजघाट की खासतौर से दो तस्वीरें हैं, जिस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस के माध्यम से संज्ञान में ये कहा जा रहा है कि शिखर सम्मेलन को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको खास तौर से काफी ज्यादा मजबूती से बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे तमाम सेनाओं की, तो जिस तरीके से कहा गया है कि 10,000 से भी ज्यादा जो पुलिस बल है उसकी तैनाती खासकर सम्मेलन को लेकर रहने वाली है। राजघाट पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर जो मेन गेट है यहाँ पर खासतौर से जो सेवा के जितने भी अफसर हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है। उसी के साथ में अंदर की तस्वीर देख सकते हैं कि कैंप वगैरह लगा दिए गए हैं और यहाँ तक कि जो कैमरों की संख्या है उनको भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा चेक पोस्ट भी देखे जा सकते हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि सम्मेलन को लेकर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मेहमान जो हैं वो राजधानी दिल्ली के NDMC एरिया के भ्रमण करने वाले हैं, उनका भ्रमण करने वाले हैं, उसी को लेकर तमाम इन सारी व्यवस्थाओं को किया जा रहा है जो कि सुरक्षा के मायने नजर ही यानी कि तहत ही होनी चाहिए। चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं, उसी के साथ में कैमरों की तैनाती है, यानी कि अगर राजघाट के अंदर विशेषकर जाना है तो ऐसे में पहले चेकिंग होगी। उसके अलावा कैंप में जो मौजूदगी है उसमें ठीक तरीके से जो चेकिंग है सुरक्षा के मद्देनजर उसको किया जाएगा और उसी को लेकर आगे जो है बढ़ा जाएगा। कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली के इस वक्त NDMC एरिया के अलावा यानी कि सेंट्रल दिल्ली के अलावा भी कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर लगातार सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है उनको देखा जा रहा है और बेहद जल्द ही दिल्ली पुलिस इसको लेकर खुलासा भी करने वाली है कि आखिर सुरक्षा में जो जद्दोजहद लगाई जा रही है वो और भी कितनी ज्यादा मजबूत होने वाली है। कैमरा पर्सन सूर्य के साथ मैं रिया, टोटल TV दिल्ली।